सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। इस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं आप लोगों का कि एक फॉर्म से रिलेटेड या वीडियो बना दीजिए सर, जिसमें कि हम मोबाइल से फॉर्म कैसे भरेंगे वो हमें बता दीजिए। तो देखिए, मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए विद्यापीठ का सिंपली आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपल से लिखना है MGKVP, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिखना है बस। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर आएगा, यहाँ पे वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सिंपल से यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई देगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेक्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे देखिए इंट्रेंस 2022 यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, सॉरी 2022-23 यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है इंट्रेंस यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर इंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे अप्लाई फॉर इंट्रेंस एग्जाम में यूजी में अगर आपको करना है तो आप यूजी कर लीजिएगा, अगर आपको पीजी में करना है तो वहाँ से पीजी कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको अगर डालना है कॉन्टैक्ट प्रोफाइल, कैंडिडेट प्रोफाइल, अपना नाम डाल लीजिएगा, अपना नाम दोबारा डालिएगा, अच्छे से डालिएगा देख करके। पिताजी का नाम डाल लीजिएगा, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपना जो भी जेंडर होगा जेंडर डाल लीजिएगा, अपना रिलीजन में आप जो भी होंगे वो डाल लीजिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन में अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो ना डालिएगा, ठीक है। अगर आप जनरल होंगे तो जनरल में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, अगर OBC होंगे तो OBC में आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे डोमेन अपना राज्य पूरा अच्छे से डाल लीजिएगा, और निवास प्रमाण पत्र अगर आप मतलब कि यूपी के हैं तब तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा फिल कर लेना। उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पे कॉपी विथ सेम कर देना, अगर नहीं है तो आप सब कुछ अच्छे से भर लेना, ठीक है। ये सब पिन विन सब भरने के बाद अब आते हैं आपके मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अच्छे से, ईमेल आईडी अच्छे से भर लेना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हो तो ये चेंजेबल नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको NAC नंबर या फिर आधार भरना है, तो यहाँ पर आपको आधार संख्या भरना है, मतलब आपका आधार नंबर जो है उसको भर देना है सिंपल से। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपने आपको बताया था कि 10th का रिजल्ट आपको रखना अनिवार्य है, तो सिंपल यहाँ पे देखिए आपको सिंपल पहले आपको पासिंग ईयर भर लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि पासिंग ईयर यहाँ पे आप भर लेना, पासिंग ईयर भरने के बाद आपको कौन सा बोर्ड था आपका वो बोर्ड यहाँ से भर लीजिएगा। बोर्ड भरने के बाद रोल नंबर आपको डालना है, रोल नंबर डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे दोबारा से रोल नंबर डाल लीजिएगा, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने नंबर कितने पाए थे, और जो आपका मार्कशीट का संख्या है वो भी भर दीजिएगा, जो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ओके। अभी हम नीचे चलते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहेंगे जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं यस। अगर आप पूरा ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑल ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप जो भी लेना चाहते हैं 50%, 70%, 30%, या फिर आप नहीं लेना चाहते केवल ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंजेबल नहीं है और फीस रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्रीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना और सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल से फीस को पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके पास ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं है, वो सब आप आराम से कर सकते हैं। आपको इसके बाद आपको मोबाइल नंबर सॉरी अपना फोटो और सिग्नेचर डाल करके सबमिट करना है सिंपल से, ठीक है। इतना सबमिट करके आप सिंपल से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, नहीं लेना चाहते हैं तो नो। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से एक बार फिलअप कर आप सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेंगे तो आपको अच्छे से रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो वो गलती मान्य नहीं होगी, वो सुधार नहीं सकते आप, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है काशी विद्यापीठ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से फॉर्म भरिए, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा करूँगा कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत आ रही होगी आप वो अभी देख पाए होंगे और उसको सॉल्व कर पाए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।